नमस्कार, बीसीएन न्यूज की खबरें सुपर फास्ट में मैं भाग्यश्री आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। सोमवार 28 जून से नए नियम लागू कर दिए जाएंगे। इसके तहत दुकानें रात 8 बजे तक नहीं बल्कि दोपहर 4 बजे तक ही आरंभ रह सकेगी। यातायात के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध कराने के ध्येय से परता रोड पर डबल डेकर पुल से लगे साई मंदिर से अजरी मेट्रो स्टेशन तक के मार्ग का चौड़ाई किया गया। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले इनके आदेशानुसार नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विधायक विकास ठाकरे के मार्गदर्शन में मध्य नागपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से ओबीसी आरक्षण रद्द होने पर मोदी सरकार के विरोध में आंदोलन किया गया। भाजपा विधायक समीर कुनापार और विधायक रामदास जी अंबाडकर इनके द्वारा समुद्रपुर तालुका के जाम में रास्ता रोको आंदोलन किया गया। सावने शहर के गांधी पुतला चौक पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घंटों चक्का जाम कर आंदोलन किया। विस्फोटकों से लदे ट्रक को वर्धा रोड के पुल पर छोड़कर भागे ट्रक चालक ने शहर में खलबली मचा दी। इस ट्रक को सकुशल पुल से उतारा गया। संविधान चौक पर महाराष्ट्र राज्य किसान सभा नागपुर जिले की ओर से केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए आंदोलन किया गया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग नागपुर महाराष्ट्र के प्रतिनिधि मंडल ने महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और राजस्व मंत्री बालासाहेब थोरात से सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े मुसलमानों को शिक्षा व नौकरियों में मुस्लिम आरक्षण प्रदान करने की मांग की। नागपुर में चक्का जाम आंदोलन के समय देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एक साजिश के तहत ठाकरे सरकार ने राज्य में ओबीसी आरक्षण को गवा दिया। उन्होंने कहा कि बाकी राज्यों में ओबीसी राजनीतिक आरक्षण है, सिर्फ महाराष्ट्र में यह रद्द हो चुका है। इस रद्द होने की वजह राज्य सरकार की नाकारापन है। बीसीएन न्यूज की खबरें सुपर फास्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।